कैलकुलेशन अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर। जब हम कैलकुलेशन अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं तो हम दो तरह से कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट वन इज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड सेकेंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अगर हमें किसी दो क्वांटिटी को ऐड करना हो या सब्सट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए एक रूल होता है, रूल फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। पहला रूल क्या कहता है कि फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेस एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेस। मीन्स कि अगर हम किसी दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो फाइनल रिजल्ट होना चाहिए वो उन क्वांटिटी में जो लीस्ट डेसिमल प्लेस तक है उसको कंसिडर करके रिटेन होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, 25.5 प्लस करना है 34.270। इसको जब हम ऐड करते हैं तो आंसर आता है 59.770। तो हम इसमें देख रहे हैं तीन सिग्निफिकेंट वन डेसिमल पॉइंट है, आफ्टर डेसिमल वन डिजिट है, इसमें तीन डिजिट है आफ्टर डेसिमल, तो हमें लीस्ट कंसिडर करना है। तो लीस्ट क्या है, वन डिजिट आफ्टर डेसिमल, तो हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे और हम इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तब आंसर आ जाएगा 59.8। ये एक इसलिए ऐड हुआ क्योंकि 70 इज ग्रेटर देन 50। ओके, अब हम एक सब्सट्रैक्शन वाला एग्जांपल लेते हैं, 32.7002 एंड इसको डिवाइड करना है 0.0049 से। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कितने डिजिट हैं, तो यहाँ पे दो डिजिट हैं आफ्टर डेसिमल एंड यहाँ पे चार डिजिट हैं आफ्टर डेसिमल, ये जीरो कंसिडर नहीं किए जाते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे टू, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो हमें टू डेसिमल पॉइंट तक ही रखना होगा। तो इसको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 32.7151, बट इसमें चार डिजिट हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट, बट वी हैव टू कंसिडर ओनली टू डिजिट टिल टू डिजिट। ओके, तो हम जानते हैं 51 इज ग्रेटर देन 50, तो राउंड ऑफ करने पर आ जाएगा 32.72 आंसर। ओके, तो ये हमारा रूल हो गया एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए। अब दूसरा रूल होता है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसमें कहता कि द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। मीन्स जब हम किसी दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उन दो क्वांटिटी में जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे तो उस सिग्निफिकेंट उतने सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करेंगे और फाइनल रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट रखेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 278/11.70, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है आफ्टर राउंडिंग ऑफ 23.8। ओके, क्योंकि यहाँ पे तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं और यहाँ पे चार सिग्निफिकेंट फिगर हैं, पर हमें कंसीडर कितने करने हैं, केवल तीन कंसीडर करने हैं। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 56.78 × 2.46, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 139.111। पर हम यहाँ देखते हैं कि इस क्वांटिटी में चार सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इस क्वांटिटी में तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हमें ये तीन सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करने, पर अब जब इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 139 ही आंसर आएगा क्योंकि 111 इज लेस देन 500। ओके, 111 500 के कम होता है, इसलिए हम 3 139 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे हो गए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल। अब इसमें कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, उसका एक हम मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 8.52 प्लस 4.1586 इंटू 18.73 प्लस 153.2। तो हमें इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई भी करना है एंड ऐड भी करना है, तो इसमें दोनों रूल लगेंगे। तो हमें पहला रूल याद है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए था कि हम जो फाइनल रिजल्ट है वो लीस्ट डिजिट लीस्ट डेसिमल पॉइंट तक ही रखा जाएगा, एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में क्या होता था कि जो आंसर होगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक ही रखा जाएगा। तो हम इसको शुरू करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर आ जाएगा 77.89। तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ भी चार सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ चार सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे पांच सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसलिए हमने चार सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर किए हैं और ये लिखा है 153.2। इसको ऐड करने पर आ जाएगा 239.6। ओके, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट क्या है, अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट वाला रूल यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं टू प्लेसेस तक अपर डेसिमल टू डिजिट है, यहाँ पर भी टू डिजिट है, यहाँ पे वन डिजिट है, इसलिए हमने वन डिजिट ही कंसीडर किया, तो यही हो जाएगा।